उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा खतरा बताया। आपको बता दें कि अमरोहा नगर में कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की किसान मोर्चा प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पत्रकारों से परिचय प्राप्त करने के बाद एक एक करके सभी विरोधियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सबसे पहले मायावती और अखिलेश को पार्टी को मुसलमानों का विरोधी बताते हुए कांग्रेस को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितेशी बताया और कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि सारी पार्टियां जनता की विरोधी हैं और अब कांग्रेस का वक्त है। जहां तक बात है चुनाव जीतने की, तो हमें उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने मायावती को जन्मदिन की बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मेरे हिसाब से तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, मायावती जी का राज भी देख चुकी है, मुलायम सिंह का राज भी देख चुकी है। ये एक कुछ ऐसी कम्युनिटी का राज करना चाहते हैं, वो कम्युनिटी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय भी जान चुका है। ना तो इन्होंने मायावती जी ने इनके लिए कुछ किया है, ना ही मुलायम सिंह यादव ने किया है। शायद मेरे हिसाब से मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय को शायद इस चीज का एहसास हो गया है कि अगर केंद्र में एक सरकार रहेगी तो विकास इनका पहले भी करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का उद्धार किया, मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक का, इनको मालूम है। और ये आज ये दोनों ने, मायावती जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने इन लोगों को आपस में बांट दिया था। आज इनको एहसास हो चुका है कि एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने की जो हिम्मत रखती है। और राहुल गांधी ने बड़ा सोच समझ के 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमने उन्हें संकल्प लिया है। मेरे हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में काफी 80 में से काफ़ी सीट हम जीतने की ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश की पब्लिक से मेरी अपील है, खासकर किसानों को ये सब कुछ भूल के नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, इन्होंने कुछ जगह देश के अंदर नफरत पैदा करी है, इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई पैदा करी है। आज इस उत्तर प्रदेश का ऐसा कल्चर का, खासकर इस वेस्टर्न बेल्ट का, अभी मैं हमारे समीम भाई से बात कर रहा था और मैं कुछ अल्पसंख्यक आयोग के लोगों को मैं जानता हूँ, उन लोगों में इनका मेल मिलाप खान पीना एक था। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई, इन्होंने दंगे फसाद करिए झांझा है गवर्नमेंट के। जैसे अभी केरला में ये क्या कर रहे हैं, सबरीमाला की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ एक कैडरिक आरएसएस वहाँ भी नफरत के बीज बो रही है। इनका काम यही है, इस देश में एक भी विकास मतलब पास। आज ये किसानों के बारे में बोलते हैं कि मैं कर्जा माफ कर दूंगा, ढकोसला कांग्रेस। क्या इन्होंने आज 4-4.5 साल से कभी किसान की बात करी? जितनी हत्याएं, जितने खुदकुशी किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के राज में, कि इससे पहले किसी सरकार में कभी खुदकुशी नहीं हुई। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो राफेल का जो हमारे राहुल जी ने सबसे बोला कि चौकीदार चोर है, फसल बीमा जो इंश्योरेंस है वो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसको सबसे बड़ा घोटाला, राफेल से सबसे बड़ा घोटाला फसल बीमा इंश्योरेंस का है। ये भी